तो हम लोग आज क्या देखेंगे, चैप्टर 5 इंग्लिश ग्रामर में। चैप्टर 5 में आपका दुआ दिया है कि द नाउन, नाउन के बारे में सारे लोग जानते हैं। नाउन क्या है बताएं? संज्ञा। संज्ञा तो नाउन कैसे पहचानते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी संसार में कोई चीज का नाम है तो वह नाउन है, यानी संज्ञा है। लेकिन चैप्टर 5 में हम लोग जो पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, तो आपके क्लास के हिसाब से आपका जो है नाउन का काइंड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 अब पहला जो है काइंड्स में आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इट इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मीन्स क्या हो जाएगा? विशेष, यानी हम लोगों से अलग। स्टूडेंट का दिए, एक स्टूडेंट क्या होता है, सारे लोग हो जाते हैं एक जैसे, लेकिन उसमें पर्सनली किसी का नाम हम करेंगे तो सबका नाम एक विशेष होता है अलग से। तो पार्टिकुलर पर्सन यानी पार्टिकुलर जो विशेष है, उस स्कूल में छात्र जो होंगे जो सबसे तेज होगा तो वह एक विशेष होगा। प्लेस आर थिंग, यानी प्लेस मीन्स जगह का, थिंग मीन्स वस्तुओं का नाम। जैसे एग्जाम्पल में अकबर, अकबर का नाम आपने सुना होगा, बादशाह अकबर थे, ठीक है, वो राजा थे, तो वो और लोगों से विशेष थे ना, तो ये हो गया। दूसरा दिल्ली, यानी दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। और तीसरा एग्जाम्पल है रेड फोर्ट, यानी दिल्ली का लाल किला, जैसे लाल किला के बोलेंगे, ठीक है ना। तो लाल किला, लाल किला जैसा कोई और इमारत है नहीं है, तो इसीलिए जो विशेष हो। दूसरी क्वालिटी क्या होती है प्रॉपर नाउन में? दूसरी क्वालिटी होती है, देखिए जो भी पहला अक्षर लिखा गया होगा वह कैपिटल लेटर से लिखा गया। और दूसरा आ जाता है कॉमन नाउन, इट इज द कॉमन नेम गिवेन टू एवरी पर्सन, यानी प्रत्येक जाति या वर्ग का हो व्यक्ति तो वो कॉमन नाम, यानी समान, कॉमन क्या कहते हैं, जाति वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, थिंग मीन्स वस्तु, जो एक ही तरह का प्रयोग में लाया जाता है। जैसे विद्यार्थी क्या है, हमने स्टूडेंट कर दिया तो उसमें लड़के भी होंगे लड़की भी होंगी, तो इसमें समझ में आता है। जैसे हमने स्टूडेंट कर दिया तो समझ में आएगा कि लड़का है लड़की है, यानी एक ही तरह का होता है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। स्टूडेंट से समझ रहे हो ना, स्टूडेंट मीन्स होता है लड़का भी होता है लड़की भी होती है। टीचर, तो टीचर मीन्स क्या, अब इसको आगे थोड़े लिखा जाता है कि लड़की टीचर, सी टीचर या ही टीचर, जैसे बकरी का होता है ना, केवल गोट हो जाएगा तो बकरी, और सी गोट या ही गोट लिखती है तो समझ लो ही गोट लिखती है तो बकरा। वैसे ही कॉमन नाउन, जैसे प्रत्येक जाति या वर्ग समूह को पढ़ने से पता चलता हो कि एक ही जैसा है तो उसे कॉमन। जैसे एग्जाम्पल में हमने दे दिया किंग, किंग मीन्स राजा एक ही तरह का होता है, सिटी मीन्स शहर, शहर बहुत से हैं, जैसे गाजीपुर वाराणसी, और बिल्डिंग हमारे मोहल्ले में कई बिल्डिंग हैं, तो अलग अलग लोगों का बिल्डिंग होगा ना, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह वाचक संज्ञा, समूह, कलेक्टिव इकट्ठा लोग, ऐसे ही पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है, यानी एक से अधिक लोग होंगे। अब क्या है इसका डिफिनेशन, इट इज द नेम गिवेन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, यानी क्या होगा, उस जाति व्यक्ति या वस्तु का समूह जिसे हम इकट्ठा एक जगह रहे, कलेक्शन में इकट्ठा समूह में रहे, उसको हम कलेक्टिव नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में जैसे क्राउड, क्राउड मीन्स होता है क्या, भीड़, कैसा भीड़, जैसे खूब मजमा लगा हुआ है, लोग वहाँ भीड़ में इकट्ठा, जहाँ कहीं
कोई नेता आता है, कोई फिल्मी स्टार आता है, तो क्या होता है, भीड़ लग जाता है, औरत का, आदमी का, बच्चे का, बच्चियों का, स्टूडेंट का, तो उसी को प्रयोग करते हैं। बंच, बंच समझते हो, बंच करते हैं अंगूर के गुच्छे को, यानी जो अंगूर कभी भी रहता है तो क्या रहता है, एक समूह में रहता है, आपका गुच्छा हुआ में लगा हुआ रहता है। समझ में आ रही है कि जब पूरे व्यक्ति हो या वस्तु है उनका समूह हो उसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है।